सॉरी, वेलकम बैक राधे राधे, जय श्री श्याम। और फाइनली स्कूल पहुंच गए और अभी ऑफिस में बैठे हैं अच्छे से। एंड कैमरा जिसके हाथ में उसको सब जानते हो, अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में कि कौन हमें एनुअल में ज्वाइन कर रहा है। सो हम दो मेंबर पहुंच चुके हैं, थर्ड मेंबर ऑन द वे है, पहुंचने वाले हैं। और साउंड्स गुड, फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है यहाँ के। ये डायरेक्टर सर का ऑफिस है, एक बार आप देख सकते हो, प्लीज दिखा दो, इधर भी दिखाओ, देख रहे हो ऐसी लग रही है, पैसे वालों की स्कूल है। हाँ ठीक है। सो अब सर जो है, सर से भी बात हुई है, सर ऑन द वे है, आ रहे हैं, और उनको भी पहुंचने में आधा घंटा तो लगेगा एटलीस्ट। तो जब तक सर आते हैं तब तक हम लोग यहाँ पहुंचे कैसे, मतलब घर से यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो क्लिप आप लोग देख लो। और तब तक सर आ जाएंगे, हम सर से मिल लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो जी आज अपन ने पकड़ ली है बस, और बस की हालत दिखाऊं एक बार। देखो बाहर लोग लटक रहे हैं और अंदर सीट फुल लोग कैसे खड़े हैं यार, गलत बात है यार ये तो। इतना कौन पैसा कमाने के लिए ध्यान देता है। और ये हमारे बस का कंडक्टर है जिसको कोई मतलब नहीं है लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पैसे कमाने से मतलब है। पूरी बस भरी हुई है उसके बावजूद देखो अभी भी और लोगों को बिठा रहा है, ना बच्चे देख रहा है ना लेडीज़ देख रहा है, गलत है यार ये, शर्म आनी चाहिए भाई आपको, शर्म आनी चाहिए। क्या है बोलूँ मैं तो, हम तो भैया सी। सो जी ये पहुँच गई हमारे लिए चाय, और सबको पता ही है मैंने तो चाय छोड़ दी है, अब चाय पीनी भी नहीं चाहिए। और कितनी अच्छी लगती है मेरे को चाय, आ चाय तुझे पीता हूँ मैं। सो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सर बस पहुँचने वाले, जस्ट सर से बात करते हैं और फिर रूम वगैरह दिखाते हैं आपको कैसा है क्या है। बाकी हाउ इज़ द फीलिंग ऋषि, फीलिंग गुड हियर, या फीलिंग ज़्यादा अच्छी यहाँ लग रही है या घर पे लग रही थी? क्यों घर पे जी नहीं लगता क्या तुम्हारा? जट टिंका, जट टिंका, आय हाय नहीं डेस डेस। सो जी सर से हो गई फाइनली बात, और ये है जगह जहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करवानी है। और फाइनली ये चलो अच्छा है कि भाई इस बार रूम मिला है, हॉल मिला है, बार टेंट में नहीं फंसे इस बार। ठीक है अब चलते हैं रूम में, रूम कैसा है दिखाते हैं आपको, है ना। सो जी ये हमारा रूम टूर देख लो आप, नीचे स्कूल है, ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद में इधर क्लासरूम लगते हैं, और इसके बाद में इधर किचन बना हुआ है, दीदी खाना बना रहे हमारे लिए, ये वॉशरूम्स वगैरह हैं, और ये हमारा रेस्ट रूम है। और एक बंदा आते ही रेस्ट करने लग गया भाई। सो हियर्स माई बेड, सुन लो इनकी झूठ। और ये जो है यहाँ पे प्लग मिल गया मेरे को, यहाँ से बाहर से हवा आती रहेगी अच्छी अच्छी, तो काम अच्छा हो गया बेस्ट। और सबसे अच्छी चीज़ दिखाऊँ क्या है, राधे राधे राधे, गणपति पापा भी इधर भी हैं। और ये देखो ये मेरी बचपन की फ़ोटो मैंने आते ही यहाँ पे लगा दी, ऐसा दिखता था मैं बचपन में। पहले ना इस फोटो पे टावल डाला हुआ नहीं था, ऐसे था, तो मैंने इसके ऊपर टावल डाल के फिर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड एक्चुअल में डायरेक्टर सर रहते थे पहले यहाँ पे। सो ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, देख रहे हो आप, ये वो जगह है जहाँ पे गुरु रंधावा का गाना शूट हुआ, मैं दिखा के लाऊंगा आप लोगों को ये। सो एक मैंने आपको हॉल दिखा दिया था ना नीचे जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, एक डांस हॉल ऊपर है। ओके इधर तो स्कूल है, एक वो डांस हॉल देख के आते हैं, जो अब पुष्पम की जगह जो आ रहे हैं कोरियोग्राफी करवाने वो करेंगे। सीढ़ियाँ चढ़ के कौन सा बताया था, वाटर कूलर के पास। ओके इट्स परफेक्ट, ठीक है। हाँ फाइनली दिन अच्छे आए हैं हमारे, ठीक है इतना बड़ा, और सेपरेट भी है ना, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस द स्पीकर जो कवर करके रखे हुए हैं, चलेंगे
आ जाओ, ये चालू है क्या ऋषि? देखना पानी आता है इसमें, ठंडा आ रहा है क्या? फिर ठीक है, ठंडा पानी 20 रुपया बचा होटल का ऑन सैटरडे इवनिंग। चलो जी, कुल मिला के ठीक है। वैसे यदि आप लोगों ने रतनगढ़ वाले व्लॉग्स देखे होंगे तो लगभग स्कूल वैसी है, नीचे एकदम पूरी कॉलोनी बनी हुई है, ऐसे अलग नहीं है, कॉलोनी के बीच में वाइब्स अच्छी आ रही है, लिटरली वाइब्स अच्छी आ रही है। बस अब बच्चे कैसे हैं वो देखना है। सो एक प्रॉब्लम है, पुष्पम जो है वो इस फंक्शन में नहीं पहुंच पाएगी। और पुष्पम यदि ये व्लॉग देख रही है बेटा तो ये सही बात नहीं है। इन मोमेंट पे आप मना कर रहे हो कि मैं नहीं आ पाऊँगी, इतनी सारी जो आपने प्रॉब्लम्स लिखी है इसमें एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो तुम्हें तुरंत हुई है, मतलब इस टाइम ही हुई है। ये सारी पहले से प्लान थी ना, ये सारे काम जो आपने लिख के भेजे ये तो पहले से फाइनल थे। और फिर आपने ऋषि को बोला है डायरेक्ट, आप मेरे को भी बोल सकते थे। दिस इज़ नॉट डन पुष्पम। अब देखो सीन क्या है पुष्पम, तुम ये व्लॉग देख रही हो तो तुम्हें अकेले है ना, फीमेल कोरियोग्राफर नहीं हो दुनिया में। मैं बुला लूँगा, अभी मैं कॉल कर लेता हूँ, कोई और आ जाएगा, बट ठीक है फिर। दिस इज़ नॉट ओके, ये ठीक नहीं लग रहा, ये सही बात नहीं। करो तुम्हें जो भी करना है ठीक है, और प्रोग्रेस करो, बट ध्यान रखना आगे से किसी को भी ऐसे इन मोमेंट पर साथ नहीं छोड़ो। फिर तुम्हें तो पता है तुमने सेम किसकी तरह किया है, मैं बोलूँगा नहीं नाम, और तुम समझ जाओगे वो चीज़ है ना, बट ये गलत है ठीक है। सो ये हमारा है मेन्यू जो दीदी ने बनाया है, ग्रीन सैलेड, ये शायद अचार है किसी चीज़ का ना, सब्जी है, नमकीन है, चपातीज है, दही है, तेरे वाले में क्या है? सेम इधर है भाई, यार मज़े आ गए। चलो इसको पहले जल्दी से ख़त्म करते हैं। और देखो यहाँ पे ना गुजरात थोड़ा टच में आ जाता है, इसलिए एक आदत होती है खाना खाने के बाद ये मीठावास खाना पड़ता है भैया। सो ये बना के लाए, प्योर घी और शक्कर का है ये, मैंने खाली एक स्पून खाई थी भाई, लिटरली यदि मैं ये खा लूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ 20 दिन में यदि डेली में ये खा लूँ ना एक बाउल, तो जब मैं पहुँचूँगा ना अगले एनवल में मेरे को पहचानोगे ही सारे। एक चम्मच खाने का मतलब एक साथ 10 किलो वज़न बढ़ता है। सो भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है, मुझे नहीं होना ऐसे, ढोल नहीं होना मेरे को ठीक है। तो ये भाई ऋषि के लिए, वो खाएगा। सो जी आई थिंक इस व्लॉग को यहीं एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे सबसे बहुत लंबा बन चुका है, और स्कूल पहुंच गए, आपको दिखा रही है स्कूल वगैरह कैसी है, साउंड्स गुड, फीलिंग गुड, अभी तक तो सारा सब कुछ ठीक है। कल फर्स्ट टाइम मिलेंगे बच्चों से, बच्चे कैसे हैं कल देखते हैं, और जो भी होता है आपको दिखाता हूँ। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। यदि आप चैनल पर नए हो तो डू इट सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट थम्स अप, मिलते हैं आपसे, बेल आइकन को दबा लेना। हाँ बेल आइकन को दबा देना ऐसे ठक करके, घंटा बजा देना घंटा टंग करके, नोटिफिकेशन आते रहे। कल बच्चों से मिलाते हैं, बच्चे कैसे हैं शेड्यूल बनाते हैं थोड़ा, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे।